हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। और आज का हमारा टॉपिक है इथेरियम वर्चुअल मशीन और ईवीएम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। द ईवीएम्स इज द रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इन इथेरियम। जो ईवीएम होता है हमारा, वो एक रन टाइम एनवायरनमेंट होता है किसके लिए? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए इथेरियम में। ठीक है, जब हम वर्चुअल मशीन्स की बात करते हैं, राइट, वर्चुअल मशीन्स आपने और कहाँ कहाँ देखा होगा? एग्जाम्पल देखा होगा आपने, जेवीएम सुना होगा, राइट। जेवीएम क्या होता है हमारा? JVM is Java Virtual Machine। और Java Virtual Machine क्या करती है हमारे लिए? वो एक इंटरमीडियरी की तरह काम करती है। मतलब जो लैंग्वेज, जो भी हम कोर्स लिखते हैं जावा में, उसको फिर एक इंटरमीडियरी मतलब आप कोड में कन्वर्ट करती है। उसके बाद फिर ये कन्वर्ट होता है बाइट कोड में, और फिर प्रोसेस होता है कंप्यूटर के द्वारा, राइट। ये होता है ना JVM में। वॉट इज इथेरियम वर्चुअल मशीन? अब कुछ ऐसा ही रिलेटेबल होना चाहिए, राइट, कुछ ऐसा ही होना चाहिए। तो इथेरियम वर्चुअल मशीन क्या करती है? इथेरियम वर्चुअल मशीन भी ऐसे ही वर्क करती है, ठीक है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ये किसके लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करती है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, राइट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स किस लैंग्वेज में बने होते हैं? राइट, सॉलिडिटी पे बने होते हैं। सॉलिडिटी पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बने होते हैं। तो ईवीएम जो होता है, ईवीएम डायरेक्टली सॉलिडिटी पे वर्क नहीं कर सकता है। ईवीएम डायरेक्टली सॉलिडिटी पे वर्क नहीं कर सकता है। इसीलिए क्या होता है कि सॉलिडिटी को एक हम हाई लेवल लैंग्वेज ऑफ कोड्स में कन्वर्ट करते हैं, और फिर ये फिर से कन्वर्ट होता है बाइट कोड में, और फिर ईवीएम इसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। मतलब ईवीएम एक इंटरमीडिएट या फिर एक एनवायरमेंट की तरह काम करता है, किसके बीच में? जो हमारा एग्जीक्यूटिंग कोड और एग्जीक्यूटिंग मशीन, इन दोनों के बीच में एक इंटरमीडियरी का काम करता है, कौन? ईवीएम, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन और चीजें देखते हैं। इट अलाउज अस टू बिल्ड डैप्स। अब डैप्स क्या होते हैं हमारे? डैप्स आर द डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। डैप्स आर द डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, ठीक है। ईवीएम हमें अलाउ करता है या फिर हेल्प करता है हमें डैप्स बनाने के लिए। इट्स अ ट्यूरिंग कंप्लीट सिस्टम। अब ट्यूरिंग कंप्लीट का ये मतलब है कि आप जो भी प्रोग्राम दोगे वो उसका एग्जीक्यूट कर देगा, जो भी प्रॉब्लम दोगे उसको सॉल्व कर देगा, ठीक है। इसके बारे में बाद में देखेंगे हम। सबसे पहले इसका देख लेते हैं कोई दो इंपॉर्टेंट फीचर्स ईवीएम के। तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर है सिक्योरिटी। इट प्रिवेंट्स डीओएस अटैक्स एज द डेटा इन द ईवीएम हैज नो एक्सेस टू द आउटर वर्ल्ड। अब डॉस अटैक्स क्या होता है हमारा? डॉस आर द डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब आप उस चीज को उतने टाइम तक यूज नहीं कर सकते हो। ये प्रॉब्लम को डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक बोलते हैं, राइट। आपने पढ़ा होगा डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के बारे में, ठीक है। इट प्रिवेंट्स डीओएस अटैक्स। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ईवीएम है, जो डेटा ईवीएम के अंदर स्टोर होता है, उसको कोई बाहर से एक्सेस नहीं करता। दैट हैज नो एक्सेस टू द आउटर वर्ल्ड। इट इज कम्प्लीटली आइसोलेटेड। जो डेटा ईवीएम के अंदर मौजूद होता है वो कम्प्लीटली आइसोलेटेड होता है। नो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इज नीडेड। मतलब नो ह्यूमन इन्वॉल्व इज नीडेड, मतलब कोई इंसान की यहाँ पे जरूरत नहीं है। द कोड गेट्स एग्जीक्यूटेड इटसेल्फ, लीविंग नो स्पेस फॉर ह्यूमन टैम्परिंग। मतलब क्या होता है कि कोड खुद ही एग्जीक्यूट हो जाता है, तो हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती। मतलब हमें जरूरत नहीं है किसी इंसान की। और अगर ये इससे फायदा भी हमें ये है कि कोई इंसान इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता या फिर उसको चेंजेस नहीं ला सकता। और हम ट्यूरिंग कंप्लीट सिस्टम की बात कर रहे थे, राइट। ट्यूरिंग कंप्लीट सिस्टम में आप जो भी क्वेश्चन या फिर जो भी प्रॉब्लम होते हैं देते हो वो सॉल्व हो जाती है, राइट। कंप्लीट सिस्टम यही होता है ना। अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसा कोई सिस्टम है, राइट, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अब मैंने इसको एक ऐसा कोड दे दिया जो इनफाइनाइट टाइम्स रन कर रहा है, तो क्या होगा? यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। ये प्रॉब्लम बना लिए, ये कोड बार 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 बार, मतलब एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा? उसका तो काम है कंप्लीट करना कोड को, मतलब उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो वो कितना भी टाइम ले उसको सॉल्व करके रहेगा, राइट। तो इसी तरीके के अटैक से बचाने के लिए गैस इंट्रोड्यूस हुआ। गैस क्या है? एक ट्रांजेक्शन फीस है। क्या है गैस? एक ट्रांजेक्शन फीस है। तो पूरा मैकेनिज्म देखते हैं कि ये कैसे चलता है।
तो फिर क्या होगा कि जैसे कि आपको एक ट्रांजेक्शन करना है, जैसे द यूजर, ये एक यूजर है, इसने क्या किया, इसने इनिशिएट किया एक ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन इनिशिएट किया, ये किसके पास गया, हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने क्या किया, कोड एग्जीक्यूट करने लगा और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगा, ठीक है। उसके बाद ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, कुछ इसका रिजल्ट देगा, राइट, कुछ इसका रिजल्ट देगा। इसी टाइम पे क्या होता है, इसी चीज को वैलिडेट करने के लिए, मतलब जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करता है उसको वैलिडेट करने के लिए, तो वैलिडेट करने के लोग बैठे होते हैं, वैलिडेटर बैठे होते हैं, राइट। इनका क्या काम है, इस जो हमारा ट्रांजेक्शन है उसका वैलिडेट करना, और अगर वो उन्होंने सही वैलिडेट कर दिया तो इन्हें क्या मिलता है, एज अ प्राइस ईथर मिलता है, कुछ अमाउंट ऑफ ईथर मिलता है, और दूसरी चीज इनको एक ब्लॉक ऐड करने का भी मौका मिलता है इथेरियम की ब्लॉकचेन में, ठीक है। ये दो चीजें मिलती है। अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कुछ कुछ मतलब कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिसमें जो ज्यादा स्टोरेज लेते हैं, मतलब कि उसके बाद क्या होता है, ये वैलिडेट हो गया, फिर जो लेजर होता है, एक लेजर होता है, राइट, एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है जो कि सारे नोड्स में अवेलेबल होता है, उस लेजर में ये ट्रांजेक्शन यहाँ जाके अपडेट हो जाती है। अब ऐसा कोई ट्रांजेक्शन हुआ है जो जिसने थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस लिया है, राइट, मतलब वो सारे के सारे नोड जितने भी उस इथेरियम नेटवर्क में प्रेजेंट है, हर कंप्यूटर में वो स्पेस ले रहा है कुछ एक्स्ट्रा, तो इस केस में जो गैस होगा हमारा, उसका मतलब इस ट्रांजेक्शन का जो गैस होगा हमारा, वो काफी ज्यादा होगा, स्पेशल आपको फीस पे करनी पड़ेगी अगर आप इस तरह का कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो जहां पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस लग रही है जब ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो, ठीक है। ट्रांजेक्शन के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है, तो आप उसके को जाके रेफर कर सकते हो और देख सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं है, आपको हर चीज समझ आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।